औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक्सरसाइज नंबर 5.2 भी करने के बाद आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स। पहला क्वेश्चन है 5.3 एक्सरसाइज में, एक्स माइनस 4 एंड 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इवेलुएट। अब बच्चों इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के साथ, उसके बाद माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास x की 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर आएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस होते हैं 5 4 20x आएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस होते हैं 6 4 24। अब सेम वेरिएबल के पास सेम वेरिएबल ले आए, एक्स की 3 माइनस 5x स्क्वायर, इसका जो सेम वेरिएबल है माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस 6x प्लस 20x प्लस 24। अब x की 3 माइनस और माइनस होते प्लस है, लेकिन साइन माइनस का आता है, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 20x, इसमें प्लस वाली रकम बड़ी है, प्लस लगाएं 20 से 6 माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होते हैं, 20 से 6 माइनस करेंगे ये 14x आएगा प्लस 24, ये आपका आंसर आएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ, उसके बाद प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे, ये a की 3 आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी आएगा प्लस ए बी स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर बी आएगा प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस आएगा ए बी स्क्वायर आएगा प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर, ये बी की 3 आ जाएगा। अब सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के पास ले आए, बल्कि ये माइनस ए स्क्वायर बी और ये प्लस ए स्क्वायर बी, ये कट गए, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये कट गए, पीछे रह गया ए की 3 प्लस बी की 3, ए क्यू प्लस बी क्यू भी इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका होमवर्क है, 4 भी है, 5 6 7 8 वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8, बल्कि 8 तक ये सारे सेम क्वेश्चन है, वो आप लोगों का होमवर्क है, दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बाकी आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और x प्लस 1, इसमें चार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को करें, पहले x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें x माइनस 1 के साथ, प्लस 2x को मल्टीप्लाई करें x माइनस 1 के साथ, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें x माइनस 1 के साथ, अब इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 के साथ, माइनस 2x को मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 के साथ, और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 के साथ, ये आपके पास आ जाएगा x की 3 x स्क्वायर और ये x, इसकी पावर 1 होती है, इनकी पावर प्लस होंगे, माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय x 2x स्क्वायर आएगा प्लस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस आएगा, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा,
माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, एक्स आएगा माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस होते हैं, वन वन जा वन। एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की थ्री आएगा, प्लस मल्टीप्लाई में प्लस प्लस आएगा। एक्स स्क्वायर को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा माइनस टू एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस टू एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स आएगा, प्लस वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज आएगी। अब सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के पास ले आए, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर आपस में कट गए, प्लस टू एक्स स्क्वायर और ये माइनस टू स्क्वायर आपस में कट गए, ये माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स आपस में कट गए, ये आ जाएगा एक्स की थ्री माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स इससे आएगा माइनस फोर एक्स प्लस वन और ये प्लस वन इससे आएगा प्लस वन और प्लस वन इससे प्लस टू सॉरी एक्स की थ्री और ये एक्स की थ्री इससे आएगा टू एक्स की थ्री सॉरी एक्स की थ्री और ये प्लस एक्स की थ्री इससे आएगा टू एक्स की थ्री माइनस टू एक्स और ये माइनस टू एक्स इससे आएगा माइनस फोर एक्स प्लस वन और ये प्लस वन इससे आएगा प्लस टू। इसमें बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है ये भी आप लोगों का होमवर्क है। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.4 की तरफ। एक्सरसाइज 5.4 की तरफ आते हैं। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, पहला सवाल है डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स प्लस थ्री के साथ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स प्लस थ्री के साथ डिवाइड करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, एक्स के साथ इसको अगर हम कर लें तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स थ्री एक्स आएगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे पहले प्लस था माइनस, ये माइनस कट गए, सेवन एक्स से थ्री एक्स माइनस करेंगे फोर एक्स प्लस टू नीचे ले आओ। अब एक्स के साथ हम क्या चीज ऐड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करेंगे, इससे फोर एक्स आ जाए, प्लस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर एक्स प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस प्लस आता है, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस फोर। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें बच्चों 9x² प्लस 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1, थ्री एक्स को कौन से फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9x² आएगा, एक तो 3 और एक x है, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9x² प्लस आएगा, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा। अब साइन चेंज हो गए, 6x से 3x माइनस करेंगे 3x प्लस 1 नीचे ले आओ। अब 3x प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 1, तो आंसर आएगा 3x प्लस 1। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये इस तरीके से आप लोग हल करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में करवा देता हूं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, एक तो 3 से मल्टीप्लाई करें और एक एक्स, थ्री एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस थ्री एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स आएगा। साइन चेंज कर लें, ये कट गए, 4x से 3x माइनस किया x प्लस 1, x प्लस 1 ये 1 आता है ना, 1 नीचे ले आएंगे। अब x प्लस 1 को 1 के साथ प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम फिगर आएंगे, तो ये आपका 3x प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा।
इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये आपका होमवर्क है। 7 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 x की 3+1 डिवाइडेड बाय x+1 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की 3 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर लें ये कट गया आपस में। अब ये नहीं कटते, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, नीचे ले आओ -x² + 1। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x² + मल्टीप्लाई माइनस माइनस आ जाएगा, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, साइन चेंज कर लें ये कट गए। अब इसी तरह -6 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -x² - 1 आएगा, इसका प्लस आता है ये x+1 नीचे आएगा, +1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे x+1 आ जाएगा, x² - x+1 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बाकी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच।